नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम छपाक, और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छपाक एसिड अटैक मोबाइल से लक्ष्मी अग्रवाल के 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण, विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका निभाई। इसने पादुकोण के प्रोडक्शन का शुरुआत की और पद्मावत 2018 के 2 साल बाद अभिनय में वापसी की। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया।
अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जले में जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्सस्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए
बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के
प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्सस्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मिल्क फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमले की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र
रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मिल्क फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मिल्क फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था।
अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्सस्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की
बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक
व्यक्त एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भिजाव। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भिजाव। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी
प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने उस समय मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मिल्क फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी
परवीन शेखर पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थ मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमों में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने इस समय मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को चित्र त्रिकोणित
त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अबू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अबू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने हिस्सा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर
सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में आर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है, जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में आर्थिक मदद करने की और अर्थ अर्चना
अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड
संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता इसमें से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईर्ष्या में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा
पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अबू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अबू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अबू जमानत लेने
और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मिर्ग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक
याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है, जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है।
अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईरसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने
बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता इसमें से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते हैं, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने
बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईरसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई।
लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और परवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से
संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मिर्ग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक
पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने इस समय मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में बैठक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और परवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं।
ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमित में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और परवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता इसमें से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में
जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में बैठी मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और
अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की प्रवृत्ति आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र
रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्सस्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्सस्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था।
अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भेजाव अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक किंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्सस्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की
बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मिलती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने हिस्सा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक
व्यक्त एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भिजाव। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर अब्बू जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमों में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वह अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने इस समय मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर भिजाव। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी
प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर अब्बू जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थिक मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियमन में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने बशीर खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र जसीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन
सिंपल सिग्नल फोन सिग्नल को त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को चित्र त्रिकोणित
त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यक्तिगत मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी हैं, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है, जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है। फिल्म को फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवरेंस प्रोडक्शन और मृग फिल्म्स द्वारा नियुक्त रूप में सिनेमाघर समर्थन दिया गया था। अलका नाम की एक रिपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक फाउंडेशन के निर्माता अमोल त्रिवेदी से मिलते हैं और उन्हें मिलती अग्रवाल के बारे में बताती है, जो ऐसी ही एक उत्तरजीवी है जो एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए लड़ रही है। मालती रोजगार की तलाश में है और अमिल उसे अपने संगठन में नियुक्त करता है। अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर बेजाब अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में एक व्यस्त बाजार सड़क पर मालती पर तेजाब से हमला किया गया। पुलिस जांच करती है मामले और उसके प्रेमी राजेश की गवाही के आधार पर उन्हें मालती के पारिवारिक मित्र बशीर बब्बू खान और उसके भाई की पत्नी परवीन शेख पर संदेह है। पुलिस बब्बू को हमले के क्षेत्र में अपने फोन सिग्नल को त्रिकोणित
त्रिकोणित करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जबकि मालती अपने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त चेहरे को फिर से बनाने के लिए कई सर्जरी करवाती है। मालती के माता पिता सीजर सिराज के घर में घरेलू सहायिका का काम करते हैं। वो मालती के इलाज में व्यर्थी मदद करने की और अर्चना बजाज की अपना वकील नियुक्त करती है। अर्चना नोट करती है कि तेजाब से हमला करना और किसी को गर्म पानी से हम जलाना भारतीय दंड संहिता की एक भी धारा के तहत आता है, इसीलिए सजा समान होगी। पहली सुनवाई में ये स्पष्ट है कि अब्बू और परवीन दोषी है, क्योंकि मालती की कहानी गवाही द्वारा पुष्टि की जाती है और परवीन ने तेजाब फेंकने का उंगलियों को जला दिया। हालांकि चूंकि कानून एसिड हमले को गंभीर अपराध नहीं मानते, अब्बू जमानत लेने और अपने जीवन को जारी रखने में सक्षम है। मालती एसिड बिक्री पर कानून पर विनियम में बदलाव की आवश्यकता को पहचानते हैं और वो और अर्चना एक याचिका तैयार करते हैं। इस बीच मालती के भाई रोहित को उन्नत आंतों के तोपेदीक का पता चलता है। अगस्त 2009 में अदालत ने वशिष्ठ खान को 10 साल और बरवीन शेख को 7 साल की कैदी की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के लिए फंड इकट्ठा करती है। वो अंततः दंड संहिता में से संशोधन करने में सफल होती है। 2013 में मुंबई में एक और एसिड अटैक पिंकी राठौर के जीवन का दावा करता है जिसके कारण सार्वजनिक आक्रोश और एसिड बिक्री पर नियमित होते हैं। मालती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का चेहरा बन जाते हैं और अमोल के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। ये पता चलता है कि बशीर ने ईसा में मालती पर एसिड हमले की योजना बनाई और परवीन की मदद से इसे अंजाम दिया। अक्टूबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में हमलावरों को जेल में रखते हुए बशीर की अपील की खारिज कर दिया। फिल्म दिसंबर 2013 में एक और एसिड हमले के साथ समाप्त होती है और अफसोस करती है कि नए नियमों और मीडिया के प्रदर्शन के बावजूद एसिड हमलों की आवृत्ति कम नहीं हुई है, जबकि एसिड अभी भी भारत में स्वतंत्र रूप से खरीदा और बेचा जाता है।